रिपीट। अच्छा, यहाँ का आंगनबाड़ी का क्या हाल है? आंगनबाड़ी में लेमचूस चटा के अब भोजन के तो समाप्ति है कहीनो ना, आना पढ़ाना है ना लिखाना, खाली ऐसे झूठ सत पैसा अपना CDPO के जो है उसका 1000 रुपया महीना बांध दिया है। 1000 रुपया महीना बनल है? हम महीना बनल है। आज इतना चावल एक आध गो अच्छत भी कहूँ, इतना तो घटिया अभी तक यहाँ के आंगनबाड़ी बम्बई सन कहूँ है। यहाँ पर 5 सेंटर है आंगनबाड़ी का। हाँ, पांचों में ही हाल सब अचवन करे वाला, एक दिन नहीं चलेगा। CDPO आवेगा तो वहाँ से फोन कर देगा कि आ रहे हैं, और 5 लीटर बैठा देगा, झूठ सच पावर चारू बना के दिखा देगा कि खाना बन। अच्छा, तुम पढ़ता आंगनबाड़ी में? हाँ पाए मिला बा खाला, खाली खिचड़ी मिला ले। खाली खिचड़ी मिला है? रोज खिचड़ी है ना? हाँ, फिर दो गो बिस्कुट। तो मैंने कैसे मिलता, सुबह में जाते थे 2 गो बिस्कुट देता था। हाँ, रोज खिचड़ी कहीं ना किया रोज मिला। हाँ हाँ, रोज मिला ले। कहाँ? आंगनबाड़ी। कौन आंगनबाड़ी? नहीं ठीक है, बच्चा बोल रहा है बिस्कुट मिलता है रोज, डबल बिस्कुट मिलता है रोज, अब पढ़ाई लिखाई नहीं होता है, खाली शनिचर के खिचड़ी धरा के है, लेकिन भेज भर पेट भोजन भी नहीं कर पाता है। तो तुम तो बड़ा बच्चा है यार, तू आंगनबाड़ी की नहीं है? ये हकीकत है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। चलिए, मैं एक सेंटर पर भी मिलेंगे, वहाँ पर देखते हैं क्या इन लोग का आरोप सही है या गलत है, क्योंकि हम एक पक्ष नहीं देखेंगे, मेरा दोनों पक्ष देखना काम है। मैं जाऊंगा सेंटर पे देखेंगे। आंगनबाड़ी के लिए सब पति अनाज के लिए भी जाते हैं। चलिए इधर मैं आपका घुमा दीजिए ना, नहीं मिलता है यहाँ इधर में आसपास में आंगनबाड़ी। चलिए घुमा दीजिए, घुमा दीजिए। एक आदमी खाली आज चवन आंगनबाड़ी आपका आंगनबाड़ी। हाँ हाँ, आए थे देखने के लिए कि यहाँ पर बच्चा लोग है, पढ़ाई हो रहा है ना हो रहा है? पढ़ाई हो रहा है, अभी पेंट हो रहा है ना। अच्छा, पेंट भी चलते तनी अच्छी है, अभी बंद किए हुए हैं। हाँ, मैंने बचाया था तो पेंट तो हो गया है लगता है कि आपका। थोड़ा सा दिखा दीजिएगा है ना, क्योंकि जब आए हैं तो हकीकत दिखा सके। सेंटर पहुंचे, सेंटर बंद है, लेकिन कारण ये है कि यहाँ पर पेंटिंग वगैरह सब दिखाई। अंदर हिलकर के, अंदर हिलकर देख लीजिए है ना। वार्ड नंबर कितना है सर? वार्ड नंबर 5 है ना। केंद्र संख्या 9 है। यहाँ पर घर में काम लगा हुआ है, पेंटिंग हो रहा है, इसके चलते यहाँ पर बच्चा लोग नहीं है। ऐसे आम दिन तो आप तो आया था, हाँ। पेंटिंग हो रहा था ना, हाँ। यह चलते तो नहीं। सेविका को बुला दीजिएगा ना, उनसे तो बात कर लेंगे। हाँ, कंटिन्यू यहाँ पर होता है ना पढ़ाई, जैसे होता है कि देखिए बहुत सेंटर हम विजिट किए हैं तो क्या बोलता है, पैसा लोग उठाता है कि नहीं, लेकिन वहाँ पर जाइएगा तो बच्चा एक भी मिल भी नहीं करेगा। समझे ये चीज है, लेकिन हालांकि आपको इम्पेंट हो रहा है तो छोटा छोटा बच्चा ऊपर भी पढ़ा सकते थे। ऊपर तो या भाई खाना पीना सब सामान बिगा हुआ है, नीचे से ऊपर तक सब जब हो रहा है तो ये घर के वो घर के वो घर। अच्छा अच्छा, चुप रहिए ना, चुपचाप रहिए। अच्छा अच्छा, अपने ही थोड़ा सा इधर आ जाइए ना, इधर आ जाइए। अच्छा, गांव लोग का आरोप है कि सेंटर पर बच्चा लोग नहीं जा पाता है, बच्चा लोग क्या बोलता है नहीं मिलता है पोषाहार, क्या हकीकत है बताइए। बोली बोली ना, पकड़े हुए। आपने अपने नाम बता दीजिए। मेरा नाम है लालमणि कुमारी। अच्छा, आपका सेंटर पर बच्चा क्यों नहीं है? तो क्यों नहीं है, पेंट हो रहा है उसी के कारण। घर पे काम लगा हुआ इसके चलते नहीं है। हाँ, कितने दिन से काम लगा हुआ है? तो ये रूम हो रहा था उसमें रुका है। अच्छा, तो कितने दिन से बच्चा नहीं आ रहा अभी वर्तमान? तीन चार दिन से। इससे पहले आता था जी? यहाँ बच्चा आता है बाबू? आता है। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, दिक्कत नहीं है। है? नहीं, क्या छोटे यहाँ पर बच्चा लोग आता है? आता होगा। आप कन्फर्म नहीं? हमको कन्फर्म नहीं है। एक चीज और है कि गांव में जब जाइएगा तो अगर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हकीकत को ना भी बोल पाते हैं, लेकिन अभी मैंने जो हकीकत देखा कि घर में काम लगा हुआ है, बच्चा यहां पर नहीं है, और पीछे दिन क्या है हमें जानकारी नहीं है, लेकिन वर्तमान में काम लगा हुआ है, इसके कारण यहां पर बच्चा नहीं है। केंद्र संख्या कितना है?
केंद्र संख्या 9 है जी और वार्ड संख्या 5 वार्ड संख्या 5 है कि नहीं? केंद्र संख्या 9 है वार्ड संख्या 5 है और सेविका का नाम है लालमणि कुमारी। लालमणि कुमारी। और सहायिका कौन यहाँ पर है? फूलमंती देवी। फूलमंती देवी है ना। तो सेंटर अभी काम की वजह से डिस्टर्ब है, नहीं चल रहा है। अगला सेंटर पर क्या है वो मैं आपको जानकारी देने का काम करूँगा।